प्याज के पकोड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर आज हम इसे एक नए तरीके से बनाएंगे। तो वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके के प्याज के पकोड़े। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं, और प्याज को मैं क्या करूँगी कि पहले मैं इसका छिलका हटा दूँगी और इसे वॉश कर लूँगी। तो चलिए फटाफट मैं इस प्याज का छिलका हटा देती हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस तरह से प्याज का मैंने छिलका हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि बीच में से इसे काट लेंगे, और काटने के बाद जो प्याज का ऊपर का हिस्सा होता है ना, इस तरह से इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा काट के हटा देना है, ताकि हम इसकी जो स्टफिंग करेंगे तो बहुत ही आसान से हमें इसकी कटोरी मिल जाए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि साइड साइड से इसकी एक एक परत को प्याज की हमें अलग करना है। तो इसलिए मैं इसे इस तरह से चाकू से अलग कर लूँगी। आप स्पून से भी अलग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो इसी तरह से सारे प्याज की जो कटोरियाँ हैं हमें अलग करनी है, यानी इसकी एक एक परत को हम अलग करके रखेंगे। बहुत ही आसान है ये टेस्टी से प्याज के पकौड़े बनाना। तो इसी तरह से मैं बाकी प्याज के भी अलग अलग से परत निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे इस तरह से प्याज के अलग अलग से परत निकाल के रखी है। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, और तेल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हरी मिर्च को स्किप करके बस लाल मिर्च ही इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी मटर डाल दूँगी, और मटर डालने के बाद इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये बॉईल करे हुए आलू है, जिसे मैंने मैश कर लिया था। तो ये मैंने 6 आलू लिए थे, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी, और आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम एक बार सौटे कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर आती है मसालों की बारी। तो हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही सिंपल और ईजी मसाले, जो सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे भी हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ी सी रेड चिली पाउडर 1/4 स्पून, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी आधी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी आमचूर पाउडर। तो आधे चम्मच मैंने आमचूर पाउडर डाला है, और 1 चम्मच डाला है ज़ीरा पाउडर। ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आप इसके अंदर अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटा हुआ पनीर, यानी मैंने यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और धनिया डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक बस भूनेंगे। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। और ज़रूरी नहीं कि इस स्टफिंग से आप प्याज के ही पकौड़े बनाएं, समोसे बना सकते हैं, ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं, सारी चीज़ें इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो ये स्टफिंग भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, तो चलिए बेसन का एक बैटर बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर 1 कटोरी बेसन डाला है, फिर उसके अंदर डाला है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, और नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें या कम ही डालें, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक है। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून कलौंजी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है इस प्याज के पकोड़े में। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे एक बार करेंगे मिक्स, और फिर हम इसका बनाएंगे बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बैटर बनाऊंगी, एक ही साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा पानी डाल के बेसन का बैटर बनाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए जब भी आप बेसन का बैटर बनाएं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ही डाल के बैटर बनाएं इसका, जिससे बहुत ही अच्छा बैटर बनकर तैयार होगा। और बैटर को हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, इस तरह का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। तो ये बैटर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम टेस्टी से प्याज के जो हमने पकौड़े बनाने हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो हमने जो प्याज की अलग अलग सी परत बना के रखी थी उसे लेंगे, यानी एक परत में प्याज की लूँगी, और इसके अंदर जो आलू का हमने मसाला बनाया है, मसालेदार आलू,
उसकी एक छोटी सी बॉल बनाऊंगी और वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और दूसरी प्याज की जो परत थी उससे हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल प्याज ही है, इसके अंदर से हमने बिल्कुल भी बाकी की इसकी परत नहीं निकाली, तो बिल्कुल प्याज की तरह लग रहा है ये देखने में। और इसके अंदर इसी तरह से हमें स्टफिंग करनी है, तो सारे प्याज में मैंने स्टफिंग कर ली है। ये देखिए देखने में ही अभी से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बनाने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए लास्ट के प्रोसेस की तरफ चलते हैं इसके। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज की स्टफिंग ली है, इसको मैं बेसन के बैटर में डालूंगी और इसे बेसन से अच्छी तरह से इसे कोट कर लूँगी और फिर मैं इसे डालूँगी गर्मा गर्म तेल में। तो तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल देखिए अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अब बाकी की जो प्याज की स्टफिंग है उसके अंदर अच्छी तरह से बेसन लगा के उसे हम तेल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें कर देना है लो, यानी लो फ्लेम पर इसे हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो, प्याज भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो पहले मैं इसके अंदर सारी स्टफिंग इसकी डाल दूंगी। ये देखिए देखने में अभी से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और 1 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। जब सारे प्याज के पकौड़ों को आप पलट दें फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे, लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं और गैस की फ्लेम को 2 मिनट के बाद फुल कर देंगे हम। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर आया है। तो इसी तरह से ये प्याज के पकौड़े बनाकर तैयार करने हैं और उसे इसी तरह से फ्राई करना है जो नॉर्मली घर में पकौड़े बनाते हैं वैसा ही कलर आने तक इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये एक पकौड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, कोई कह नहीं सकता कि ये हमने प्याज के पकौड़े बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लग रहा है देखने में और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए ये पकौड़े, प्याज भी अच्छी तरह से इसमें पक चुकी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और ऑफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में से सारे पकौड़ों को निकाल के एक प्लेट के अंदर मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है प्याज के पकोड़े की, अगर आप इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ ही करेंगे, कोई कह नहीं सकता देखने में कि ये प्याज के पकोड़े बनाकर तैयार किए हैं हमने। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू और प्याज के स्टफ पकोड़े जो हमने बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अगर आप इसे इसी तरह से बनाएंगे तो आपसे सब इसकी रेसिपी पूछेंगे कि किस तरह से आपने ये टेस्टी स्टफ प्याज के पकोड़े बनाकर तैयार करे हैं, ये देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बिना चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से आप ये टेस्टी टेस्टी से प्याज के पकोड़े बनाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने तो इसे दही की चटनी के साथ सर्व किया है, जो शादियों में दही की चटनी बनती है वैसी दही की चटनी बनाकर इसे उसके साथ सर्व किया है, जिससे इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको जानना है कि शादियों वाली दही की चटनी कैसे बनाएं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह से आप ये टेस्टी प्याज के स्टफ पकौड़े बनाएं और इसे सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये टेस्टी स्टफ प्याज के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी।